लोग अच्छा खाना खाने के शौकीन है, उनको पकाने का भी बहुत शौक होता है, और पकाने के लिए उनको राइट टाइम पे राइट जगह नहीं मिलती और उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से इसकी ट्रेनिंग हासिल कर सके। खास तौर पे ये मसला पाकिस्तान में मौजूद है, दूसरे मुल्कों में तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े शेफ निकल के आ रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से, स्कूल से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होती है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी गौतम कॉलेज के नाम से एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, आपके बिल्कुल करीब और बेहतरीन जगह है जहाँ पर आप खाने की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं और फिर आपको बेहतरीन किस्म की जॉब्स भी यहाँ पर मिलेंगी और यहीं से आपको स्पॉन्सर किया जाएगा, आगे आप प्रोफेशनल शेफ बन सकते हैं। तो गौतम एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, स्कूल है, क्या क्या करवा रहा है, क्या क्या ट्रेनिंग दे रहा है, तो चलिए पहले जानते हैं, मिस नाजिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि गौतम असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? ठीक हैं? ओके जी, गौतम जो है वो हमारा कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है और गौतम जो है पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं वो ट्रेन होकर जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आप उनको शेफ जो है हमारे वो प्रोफेशनल बनकर जाते हैं, हमारे टूरिज्म में स्टूडेंट्स आते हैं हमारे होटल मैनेजमेंट के अंदर और हम इनको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से गौतम बहुत कम अरसे में बहुत पीक पे चला गया। ठीक है, और हमारे जो हैं वो 100+ जो कैंपसेज हैं वो लाहौर में और लाहौर से बाहर हमारे कैंपसेज जो हैं, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट भी 5-10,000 से अबव होते जा रहे हैं। ठीक है, सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको 100% जॉब रिप्लेसमेंट भी मिलती है। सो आई लव गौतम और आई होप आप भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट से मिलेंगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेंगे, पॉजिटिव आपको सारे कॉमेंट मिलेंगे, दे आर वेरी हैप्पी और लॉट ऑफ एंजॉयमेंट इधर वो फुल एंजॉय कर रहे हैं। जो आज बड़ा जबरदस्त यहाँ पे एक्सपो के अंदर आप लोगों ने एक कॉम्पिटिशन रखा हुआ है, जरा उसके बारे में बताएं। अच्छा, ये जो गौतम ने हमें एक्सपो सेंटर के अंदर हमने अपना वो लगाया है स्टॉल और पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ हमेशा से गौतम का बड़ा अच्छा एक रिजल्ट रहा है हमारा और पंजाब फूड अथॉरिटी का भी हम थैंक यू बोलते हैं, स्पेशल उन्होंने हमें ये इसके साथ एंगेज किया। हमारे यहाँ पर बच्चे लाइव जो है वो कुकिंग कर रहे हैं और हमारे 100+ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कंपटीशन में हैं और सुबह से बच्चे लगे हैं, उन्होंने मजे मजे की डिशेस बनाई हैं और इंशाल्लाह आप भी इसको टेस्ट करें, अभी थोड़ी देर बाद तो आप इसको एंजॉय करेंगे। आप टेस्ट करेंगे जो डिशेस बनाएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं जज हूँ आज की जो फूड कंपटीशन है यहाँ पर, गौतम के बच्चे जिसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं उसके लिए मैं जज हूँ और मेरे साथ डिफरेंट जजेस भी हैं। इसका हमने इनका जो फूड को जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेक्सचर, प्रेजेंटेशन, हाइजीन और यही वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं जजमेंट के हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कॉलेज में भी और अपने बच्चों को इसी चीज़ के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं। गौतम में ट्रेनर की हैसियत से पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आप क्या क्या सिखाते हैं? हम पाकिस्तान की जो लोकल कुजीन है हमेशा इसको प्रमोट करते हैं, इसके अलावा हम गौतम में इंटरनेशनल कुजीन जिसके अंदर फ्रेंच, इटालियन, लेबनीज और डिफरेंट कुजीन अराउंड जिसके अंदर चाइनीज कुजीन है, फास्ट फूड आ जाता है और इसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन फूड हाइजीन, न्यूट्रिशन, इसके अलावा हमारे पास अभी एयरलाइन एंड टिकटिंग इस तरह के भी सब्जेक्ट्स हैं। क्या बात है, तो आप अभी आप जज हैं तो थोड़ा सा मुझे सीक्रेटली बता दें कि आपको कौन सी डिशेज अच्छी हैं? इसमें से जिस मुख्तलिफ कुजीन्स हैं, बच्चों ने बहुत वास्ट एरिया कवर किया हुआ है, हमारे पास फास्ट फूड भी है, हमारे पास मेन कुजीन्स भी हैं। अब जिस तरह के ज़ाफ़रान राइस हैं विद शाहजहां चिकन है, दिस टेस्ट वेरी गुड। इसके अलावा मैं आपको ये फास्ट फूड की एक बड़ी जबरदस्त यहाँ पर ये बच्चे ने एक ही डिश रिप्रेजेंट किया है, इसमें इसके पास बर्गर है, मोहितो है और बफलो विंग्स है विद फ्राइज, ये बड़ी यूनिक उसने का। ये कौन से स्टूडेंट ने? ये DCA 82 का हमारा स्टूडेंट है, ये 9 मंथ्स का कोर्स है एंड ही हैज डन। उसको नहीं पता लेकिन हमें पता चल गया कि उसकी डिश सबसे अच्छी, ये फास्ट फूड में हमें लीड कर रहा है आज, तो ही विल बी फर्स्ट पर्सन फास्ट फूड। अब जब नए आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। गौतम के स्टूडेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनको यहाँ पर स्किल्स सीखने को मिली हैं और आज ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम अब्दुल बासित आसिफ है। आप इतना खुश क्यों हैं? वैसे ही एक इवेंट पे आया हूँ जिसमें आगे बढ़ने के और चांसेस मिल सकते हैं, मुझे और अवेयरनेस मिल रही है फूड के मुतालिक भी और दूसरे ब्रांड को समझने का भी, एक बाहर की दुनिया का पता चल रहा है। क्या क्या स्किल्स आपको मिली हैं? जी मुझे काफ़ी स्किल्स मिले हैं, मुझे फ्रंट ऑफिस का पता चला है, उसका मैंने प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, इसके अलावा मुझे डाइनिंग स्किल ट्रेनिंग्स मिली हैं, इसके अलावा मुझे फूड एंड बेवरेज का पता चला है कि इसको सर्व कैसे करते हैं, उसके बाद मुझे सर्विंग वगैरह का पता चला है, उसके अलावा मुझे रूम बुकिंग वगैरह का पता चला है, उसके अलावा मुझे इवेंट्स मैनेजमेंट वगैरह पता चले, क्योंकि और ये नहीं कि मैंने सिर्फ इसका थ्योरी पढ़ी है,
मुझे एक प्रैक्टिकल दिए गए हैं, मुझे प्रैक्टिकल का बताया गया कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप कुछ कहें? बस कौथम आए, कौथम में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इंटरनेशनली आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अपना बेहतरीन करियर बनाने के यहाँ पे मौका मिलेगा, इसलिए आप कौथम पाकिस्तान छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं? नहीं, हम पाकिस्तान को ही प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। आपने किस चीज़ में यहाँ से ट्रेनिंग की? मैं अभी होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ। होटल मैनेजमेंट कर रही हैं, क्या क्या सीखा आप? मैंने अभी फ्रंट ऑफिस का सीखा है, कैसे लोगों को डील कैसे करते हैं वो सीखा अभी, और फर्दर आगे सीख रही कंटिन्यू हम लोगों को। गौतम के वो स्टूडेंट जो आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आप दोनों? मोहम्मद जैन, अमार अशरफ। तो आप दोनों एक ही टीम से? यस। तो क्या बनाया आपने? हमने चिकन मंचूरियन और चिकन चाशनी। ये आपकी डिशेज हैं? ये दोनों? यस। तो वो डिशेज क्यों बनाई है? जी वो डिफरेंट है ना, दोनों मंचूरियन अलग और चाशनी अलग, इसमें चिकन है, राइस है, फिर उसके बाद कैरेट्स हैं, गैबीज हैं, उसके बाद चिकन पाउडर है, और भी डिशेज हैं बड़ी खूबसूरत। तो तुम लोगों को क्यों लग रहा है कि तुम लोग जीत जाओगे? क्योंकि हमने चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट इस्तेमाल किए हैं, बेल पेपर्स, काफ़ी लोगों को अभी तक आइडिया ही नहीं है, और डिफरेंट किस्म के कलर बेल पेपर्स हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं, और राइस हमने जैस्मिन राइस इस्तेमाल किए हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। शेफ उसामा साहब ने हमें ट्रेन किया है। तो कहते थे कि लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन अब तो मैं देख रही हूँ कि लड़के ज्यादा खाना बनाने की तरफ आ रहे हैं। हम भी लड़कियों के लिए बना रहे हैं। लड़कियों के लिए बना जी, वो खुश रहेंगी अगर हमें खाना पकाना आता होगा तो। मैरिड है जी? मैरिड है। इसके लिए आपको ख्याल आया सबसे पहले? जी जी मैम, मैं घर में आप ही खाना? मैम ऑलमोस्ट। अभी आप यहाँ पे क्या, आपने खाना बनाया? मैम बर्गर से मेरे दिखाएं दिखाएं। अच्छा ये आपकी डिश है? अच्छा ये आपकी डिश है, आपके लिए सरप्राइज है। थैंक यू थैंक यू। चले मुझे बताएं, आप कह रहे थे कि हम भी उन्हीं के लिए बनाते हैं, तो घर में फिर आपकी वाइफ को तो बड़ी सहूलत होती है? जारी बातें होती है, हेल्पिंग हैंड्स है असल में, एक दूसरे की हेल्प करना। क्या नाम है? मोहम्मद शुएब। आज आपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट? जी मैम। कौन सी डिश? हमारी डिश है स्मोकी दही चिकन। ये वाली चना चाट है एपिटाइजर में। चना चाट? जी जी मैम। कितना टाइम लग गया बनाने? तकरीबन जी इन्होंने हमें 75 मिनट्स दिए थे, और इंशाल्लाह हमने इसमें कम में ही कंप्लीट करके दिखाया। बताइए कि आज इस कंपटीशन से क्या सीखने? मेरा कौथम में अभी ज्वाइनिंग है, स्टार्ट है, तो मैंने ये एक एडवेंचर के लिए और इन्जॉयमेंट के लिए कंपटीशन में पार्ट लिया है, और मेरा शुरू से ही शौक था शेफ़ के लिए, सो आज मैंने बस यही सीखने के लिए लिया है, ना ही मेरा कोई शौक है कि मैं जीत के जाऊँ यहाँ, बट मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला है। सीखने को मिलता है? सीखने को मिलता है, ये मेरी माँ का जो है ना, उन्होंने मुझे सिखाया है, मेरी मदर ने सब कुछ मुझे सिखाया है कुकिंग का, और मैं छोटा जब से मैंने हौज संभाली और वो मुझे पास लेके खड़ी होती थी कि आप ये सीखो नेक्स्ट आपके काम आएगा। बहन है कोई? ना मेरी कोई बहन है ना मेरे भाई हैं, और मेरे फादर भी नहीं है, एक मंथ का था जब मेरे अबू की डेथ हो गई थी, और मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया।